और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी एक्ट तरमीम की हिमायत से हमारे नजरिए को नुकसान नहीं पहुंचा, जल्द सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड माजी का हिस्सा बन जाएंगे, मुस्तकबिल की सियासत बेहतर होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी एक्ट में तरमीम की हिमायत पर पार्टी में भी मुझ पर तनकीद हुई। आर्मी एक्ट तरमीम की हिमायत करने से हमारे नजरिए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मुस्तकबिल की सियासत बेहतर होगी, जल्द सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड माजी का हिस्सा बन जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था लंदन मीटिंग में हल्फ लिया गया था कि इस मीटिंग की तफसीलात बाहर नहीं जाएंगी, लंदन मीटिंग में किसी ने फैसले से इख्तलाफ किया या इत्तेफाक, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जो लोग नजरिए की बात करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। दो भतीजे कैद में हैं, मरियम नवाज को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, कारोबार तबाह हो चुके हैं, घर तक दाव पर लग चुके हैं, नवाज शरीफ इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। नजरिया जरूरत अदलिया मीडिया और सियासतदान इस्तेमाल करते रहे। मरियम नवाज से आर्मी एक्ट की हिमायत पर मशवरा हुआ या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं, नवाज शरीफ कायद हैं, जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज रशीद अगर आर्मी एक्ट पर मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर रहे तो ये सवाल भी उन्हीं से होना चाहिए। पार्टी फैसलों से इख्तलाफ जरूर रजिस्टर करवाना चाहिए लेकिन पार्टी का फैसला ही आखिरी फैसला होता है।